कैसे हैं आप लोग? गवर्नर जनरल वगैरह भी बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? ये सब मेडिवल में होगा, लेकिन ठीक है, सारे नहीं होंगे, जिनका रोल था वो होंगे। ठीक है, तो बताइए, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? मेरे हिसाब से हम उग्रवादी चरण पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि एक था उग्रवादी चरण, सॉरी उदारवादी चरण, उदारवादी चरण 1885 से लेके 1905 तक ये चला था। इसमें कोई बड़ी एक्टिविटी होती नहीं है, इसलिए कोई आंदोलन, कोई हिंसा, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती इसकी, इसलिए इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। जी शशिकांत, बताइए क्या कहना था? शशिकांत बताइए क्या कहना था, फटाफट बताइए। आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली स्क्रीन पे कमेंट ज़्यादा हैं तो भाई मेरे को पता नहीं लगता किसने कब कमेंट कर दी, वो स्क्रॉलिंग में ऊपर चली जाती है कमेंट। बताइए। नोट्स नहीं बना पा रहे क्यों भाई? जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे बनाओ आप लोग। जी गुड आफ्टरनून। सुनो मेरी बात, अब हम आगे चलते हैं, पहले चीज़ों को समझो और उसके बाद साथ साथ में नोट भी करो आप लोग, फोकस हो यहाँ पे आपका। देखिए जी, समझिए इस बात को। अब शुरू होगा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण शुरू होगा अब, जो कि 1905 से स्टार्ट हो जाता है और 1917 तक चलता है उग्रवादी चरण। बीच बीच में टॉपिक करवा दिए, कैसे करवा दिए? मतलब शशिकांत सब कुछ सही तो चल रहा है, कौन से बैच के हैं आप बताइए? हमने एंशियंट के बाद डायरेक्ट मॉडर्न कर रहे हैं, मॉडर्न के बाद मेडिवल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बताओ क्या समस्या है आप लोगों को? बताओ शशिकांत, नाम बोलिए बैच का, मुझे ये कंफर्म नहीं है, नाम बोलिए एक बार। जी जितेंद्र, अच्छा मेडिवल छोड़ रखा है, बस कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी। सब कुछ करवाया जाएगा, एक बार मॉडर्न पूरी कर लेते हैं। मॉडर्न हम क्रांति से शुरू किए थे, वो सब हम पूरा करेंगे इसको, ठीक है? देखिएगा उग्रवादी चरण, तो कैसे उग्रवादी चरण, यानी कि उदारवाद से लोग उग्रवाद की तरफ बढ़ते हैं। जो मेन मेन चेहरे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वो कैसे उभर के सामने आते हैं? देखिए समझिए इस बात को। लॉर्ड कर्जन नाम का एक वायस राय आता है भारत में, लॉर्ड कर्जन, ये 1899 में आया था और 1905 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में घोषणा की, क्या घोषणा की? कि बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल का विभाजन होगा। 1903 में घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होगा। हमारे पास एक राज्य है बंगाल, हम बंगाल को दो भागों में करेंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। बंगाल का विभाजन करेंगे हम, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो भागों में कर देंगे। इसको लेकर के जो उग्रवादी नेता थे, उन्होंने आलोचना की इसकी, उग्रवादी नेताओं ने आलोचना की।
आलोचना करते हैं इसकी। तब इन्होंने कहा कि अगर बंगाल का विभाजन होगा तो हम बहुत कुछ कर देंगे, हंगामा कर देंगे। अब तक कांग्रेस चुप थी, लेकिन अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, ठीक है। तब फाइनली 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया जी। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, घोषणा तो पहले ही हो गई थी, बंगाल का विभाजन हो गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, देश में जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक है, इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और इसी के साथ साथ बंग भंग आंदोलन, बंगाल को जो भंग किया है, आंदोलन शुरू कर दिया 1905 में ही। 1905 और 1906 ये आंदोलन पीक पे चले। स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, हम इस सरकार का जो है बाइकॉट करते हैं, विदेशी सामान को अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया है वो बंगाल का नहीं, वो हिंदू और मुसलमानों का विभाजन है। ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। इसकी राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता की साइड हिंदू ज़्यादा थे, इसकी राजधानी ढाका मुस्लिम ज़्यादा थे। अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमानों में मतभेद करना, एक फूट डाल देते हैं, ये लोग आपस में उलझे रहेंगे, आज़ादी की तरफ बात ही नहीं करेंगे। रिजल्ट ये निकला बंगाल विभाजन का, फूट ऐसी डाली कैसी के 1906 में इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। संस्थापक हैं आगा खां व सलीमुल्ला, आगा खां व सलीमुल्ला इसके संस्थापक हैं और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना का होना मतलब कि अंग्रेजों का बंगाल विभाजन सफल होना। बंगाल का विभाजन किया इसलिए था, हिंदू मुसलमानवाद करना, ये हो गया। मुस्लिम लीग बनाया मतलब ये मुसलमानों के लिए सोचेगा, देश के लिए नहीं, मुसलमानों को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, हमने एक खिलाफ आंदोलन किए इसके खिलाफ, कांग्रेस के अधिवेशनों में चर्चा की लेकिन बात नहीं बनी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई फाइनली। मुस्लिम लीग की स्थापना होते ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर में। दिसंबर में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लास्ट दिसंबर में 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। बताइए जी, फाइनली अब जाकर के आंदोलन वगैरह शुरू हुए हैं, हड़ताल वगैरह शुरू हुई है। बताइए कोई समस्या है तो। सर मेडिवल के बाद एंशिएंट पूरा नहीं हुआ, काफ़ी मॉडर्न पर आ गए, कितना पेज? अच्छा गैप कितना भाई? 7-8 पेज छोड़ दो, बहुत है। वैसे पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में वो ऊपर लिख देंगे ये मॉडर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मेडिवल लिखा जाएगा, पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा कोई सीन नहीं है यार, बीच में से वो करेंगे तो टॉपिक आपको कुछ समझ में आ जाए। अब ये तो पता लग ही रहा है ना सीन क्या चल रहा है क्लास में, बस। कीजिए फटाफट नोट।
क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ जी, अभी हुई है स्टार्ट क्लास। बताइए, कोई समस्या है तो? हो गया, करते ही कमेंट करें कि सर हो गया। बताइए, डन? ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। डन? जी बिल्कुल, अभी शुरू हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, बंगाल का विभाजन हो गया। अब 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, या कांग्रेस ने पहली बार घोषणा पत्र में लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा या घोषणा की, स्वराज की। पहली बार स्वराज शब्द जोड़ा अपने घोषणा में कि हमारा मुद्दा है स्वराज। पहली बार हमें भी राज करना है हमारे देश में। तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन लगातार चल ही रहा था। जो उग्रवादी नेता थे वो चाहते थे हमें जो है अध्यक्ष बना दिया जाए। तब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में 1907 में उग्रवादी नेता भी थे और उदारवादी नेता भी थे। उदारवादी नेता भी थे, उग्रवादी नेता भी थे, उग्रवादी नेता कम थे। इन लोगों ने नाम रख दिया कि भाई बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे। यहां से नाम रखा कांग्रेस का अध्यक्ष, भाई इस अधिवेशन में कौन बनेगा। यहां पे नाम रखा रास बिहारी घोष का, रास बिहारी घोष का यहां पे नाम रखा। तब क्या होता है, क्योंकि मेजोरिटी इनके पास थी तो अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी घोष को। यहाँ ये लोग दुखी हो गए, हमें अध्यक्ष बनाओ, लेकिन ये चाहते थे कि ये लोग उग्रवादी अगर अध्यक्ष बन गए तो कांग्रेस की इमेज खराब होगी, कांग्रेस की वो पहले वाली छवि नहीं रहेगी, क्योंकि आंदोलन करते हैं, हिंसा करते हैं। तो यहाँ पे आपसी मतभेद हो गए, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, जूते वगैरह बरसे आपस में, तो कांग्रेस का ही विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में बट गई कांग्रेस। जो उग्रवादी लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, वो गरम दल कहलाए। जो उदारवादी थे वो लोग नरम दल कहलाए। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाओ, बंगाल का विभाजन हमें रोकना है। ये कहते हैं कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में रखो, पूरे देश में फैलाने की जरूरत नहीं है, इससे जो है अव्यवस्था फैलेगी। तो इसके बाद जैसे ही उदारवादियों के पास सत्ता वापस आई, उग्रवादी जो है इनसे अलग हुए। इनमें लाला लाजपत राय अपनी किसी केस के लिए चल पड़ते हैं, बिपिन चंद्र पाल राजनीति छोड़ देते हैं, बच गए तिलक। अकेले तिलक ऐसे बचे थे जो आंदोलन को जारी रखे, लेकिन 1908 में तिलक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर 6 साल की सजा दे दी।
बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा दे दी क्योंकि यही ज्यादा आंदोलन कर रहे थे। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था केसरी, और केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था भारत की दुर्दशा। तो इस लेख से अंग्रेजों को दिक्कत हुई कि ये तो भारत के जो है लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश है। तो इस लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा लगाया, 6 साल की सजा। यानी कि गर्म दल के नेता, उग्रवादी नेताओं को लगभग गायब कर दिया, उदारवादी रह गए। इनका तो यही काम था, चिट्ठी पत्री लिखना और नए नए अधिवेशन वहां से, अधिवेशन नियम जो है वहां से मंगवाना। मामला एकदम से शांत हो गया। बंगाल विभाजन का मुद्दा गर्म था, मामला ठंडा पड़ गया। अब 1909 में ब्रिटेन से एक रिफॉर्म भारत में आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। यहां तक नोट कीजिए फटाफट, बताइए किसी को कोई समस्या है तो कीजिए जी नोट। जी बिल्कुल कर सकते हैं नोट, हाँ हाँ कीजिए। सो आपने कमेंट क्या किया है, नाम तो आ रहा है आपका लेकिन ये नहीं पता कि लिखा क्या है, दिखा नहीं दे रहा। पत्रिका का नाम है ये केसरी और इसमें लेख लिखा था भारत की दुर्दशा, इसी की वजह से अंग्रेजों ने तिलक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के 6 साल की सजा दे दी थी। हाँ लगभग अभी शुरू हुई है क्लास, बिल्कुल हो जाएगा संजय जी, सीईटी तक सिलेबस हो जाएगा आपका, पहले ही हो जाएगा, बहुत पहले। चलें आगे, देखिए जी, हाँ हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद 1909 में
एक रिफॉर्म भारत में आता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए इसको कहा गया क्योंकि उस समय मार्ले जो है वो भारत सचिव थे और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इसमें क्या आया चेंजेस? इसमें ये आया चेंजेस कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अभी भी भारत सचिव के पास रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या होगा? एक वायसराय होगा, साथ में कार्यकारी परिषद होगी। कार्यकारी परिषद में चेंज हो गया, 6 सदस्य होते थे पहले, अब भी 6 ही सदस्य हैं लेकिन 5 प्लस 1 होंगे, यानी कि एक भारतीय को इसमें ऐड कर लिया गया। पहली बार कार्यकारी परिषद में भारतीय को मौका मिला, एक भारतीय को इसमें ऐड कर लिया गया। पहले भारतीय बने थे सत्येंद्र सिन्हा, जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। केंद्रीय सभा की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय सभा में अब 16 की जगह 60 सीटें होंगी। केंद्रीय सभा में अब 60 सीटें होंगी, केंद्रीय सभा के अंदर 16 की जगह अब 60 सीटें होंगी। इसके अंदर 60 में से 5 मुसलमानों के लिए, 5 सीटें मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव के साथ होंगी। 5 सीटें पृथक चुनाव से होंगी, मतलब सेपरेट इलेक्शन, मुसलमान ही मुसलमान के लिए वोट करेगा। समझिए इस साजिश को। 1905 में आप बंगाल का विभाजन करते हो, 1906 में आप मुस्लिम लीग बनाते हो और अब मुसलमानों को अलग से चुनाव, मतलब सांप्रदायिकता फैलाते हुए जा रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बुरा भी कर रहे हैं, फूट डालने का काम लगातार कर रहे हैं जी अंग्रेज। तो 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार आया जिसमें चेंज हुआ, वायसराय रहेगा, कार्यकारी परिषद में 6 मेंबर पहले थे अब भी 6 ही हैं, एक भारतीय को ऐड कर लिया, 5 प्लस 6 हो गए। केंद्रीय सभा में पहले 16 सीटें थी अब 60 कर दी गई, 60 में से 5 मुसलमानों के लिए होंगी रिजर्व, वो भी सेपरेट इलेक्शन, अलग चुनाव, यानी मुसलमान मुसलमान के लिए वोटिंग करेगा। ये एक भयंकर बीमारी होती है जिसमें देश में सांप्रदायिकता फैलती है। तो आप ये कह सकते हैं पहली बार सांप्रदायिक चुनाव चुनाव, वो भी 5 सीटों पर, मुसलमान के लिए मुसलमान वोट करेगा, 1909 में दिए गए थे। तो मार्ले मिंटो सुधार कांग्रेस के लिए सही था, भाई एक बंदा हमारा वहां बैठ गया, लेकिन देश के लिए बिल्कुल सही नहीं था, सांप्रदायिकता फैलाई गई थी। ठीक है, तो मामला अभी शांत हुआ नहीं, स्वदेशी वाला सिस्टम अब तक चलता रहा, वो आंदोलन अब तक चलता रहा, डिमांड बंगाल विभाजन को रद्द करो। एक बार ये देखिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं उसके बाद क्या होता है। बताइएगा जी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोगों को। नोट कर लीजिए आराम से। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं बात क्लास के बाद। अच्छा दरवाज़ा बंद कर दूँ, चमका रहा दिख रहा है। ठीक है, क्लास के बाद आप बात कर सकते हैं मेरे से, मेरा नंबर है आपके पास, कर सकते हैं आप बात।
ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार किसको बोलते थे? वायसराय था और उसकी एक कार्यकारी परिषद थी, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। ठीक है, बताइए। आ रहा है समझ में? चलें आगे। ठीक है जी। हाँ संजय जी, ये अब क्लास के तुरंत बाद आप जो है कर लीजिएगा कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? चलिए जी आगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अचानक 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार लगाता है एक वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग ने दिल्ली दरबार लगाया। दिल्ली दरबार में लॉर्ड होर्डिंग स्वागत करता है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का, जॉर्ज फिफ्थ, उनकी पत्नी मैरी, इन दोनों का स्वागत किया गया। दिल्ली के अंदर एक जगह है कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क में इनका स्वागत किया गया और यहां पर लाखों रुपए खर्च किए गए। यहां भी खर्च किया गया, पदक बांटे गए और यहां पे दो जरूरी घोषणाएं की गई। ये लोग भारत में घोषणा करने आए हैं, इनका स्वागत किया क्योंकि ये तो इन्हीं के नीचे काम करता है। भारत में वायसराय की ड्यूटी है भारत को संभालना। ठीक है, पहल जो है इसको संभालना। भारत में आए राजा और रानी, उनका नीचे वायसराय काम कर रहा, उसने स्वागत में क्या जी आइए आपका ये सब कुछ। तो इन्होंने घोषणा की क्या कि जो बंगाल का विभाजन हम लोगों ने किया था ना, वो रद्द कर रहे हैं हम, बंगाल विभाजन रद्द। दूसरा, राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। ये दो जरूरी घोषणाएं हुई थी दिल्ली दरबार में। ऐसा क्या हो गया, ये दो घोषणाएं क्यों कर दी? जो बंगाल का विभाजन हम रद्द करवाना चाहते थे आंदोलन करके, वो पहले तो किया नहीं, अब कर रहे हो? क्योंकि खतरा है, खतरा है इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या भारत से सहायता नहीं चाहिए? अगर भारत में स्वदेशी आंदोलन चलेंगे, ब्रिटेन का सामान ही नहीं बिकेगा, ब्रिटेन की सहायता नहीं करेंगे हम लोग, तो वर्ल्ड वॉर में कैसे वो अच्छा करेंगे? वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को भारत की सहायता चाहिए, इसलिए भारत वालों की डिमांड पूरी कर दी। ठीक है भाई, तुम बंगाल का विभाजन रद्द करवा दे, करवा लो। 1911 में दिल्ली दरबार हमें लालच देने के लिए लगाया गया है कि ठीक है, हम तुम्हारी मांगे मान रहे हैं, वर्ल्ड वॉर होगा, माहौल बन चुका था वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर होगा, तुम हमारी सहायता कर देना। समझ में आ गई बात? तो ये दिल्ली दरबार, जहां पे दो घोषणाएं की थी, राजधानी दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट की गई थी, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी 1912 में, लेकिन घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। नोट कर लीजिए इसको, यह है दिल्ली दरबार 1911, कीजिएगा नोट। सुनीता जी, ये कंसेप्ट अलग अलग बनता है, वैसे तो 1937 में होते हैं राज्यों में। ठीक है, 1909 में चुनाव होते थे लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होते थे, 35 के बाद बाद आएंगे फिर वो सही डायरेक्ट चुनाव जो है 1937 में। ठीक है, चुनाव तो होते थे, यहां भी डायरेक्ट नहीं होते थे, मतलब आम जनता नहीं करती थी वोटिंग, कुछ लिमिटेड होता था कि ये लोग वोट करेंगे ऐसे।
जी कीजिएगा, बिल्कुल, शाबाश। करें नोट, पूछना है तो पूछें बीच में। हाँ बाकी लोग भी बताएं भाई, सारे के सारे बताओ क्या पूछना है इसमें। जी नमस्ते गजेंद्र। क्लास को तो काफ़ी टाइम हो गया भाई, हो गया नोट। चलिए जी आगे, उसके बाद देखिए जी, समझिए इस बात को। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अंग्रेजों को चाहिए भारत से सहायता, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। अंग्रेजों को चाहिए भारत से सहायता, सहायता कैसे, सेपरेट चुनाव के लिए। सुनीता जी, तो डायरेक्ट 1909 लिखेंगे आप, पहली बार का ये प्रथम बार जो पृथक चुनाव हुए वो पहली बार इसी में हुए थे, 1909 में ही दिया गया था पहली बार सांप्रदायिक चुनाव या पृथक चुनाव। तो जी अंग्रेज या सरकार, सरकार यानी वायसराय क्या चाहता है, हेल्प करो जी। कांग्रेस के सामने चिल्लाता है जी सहायता करो, अब करें सहायता। तब जो बाल गंगाधर तिलक थे वो रिहा हो गए, 1908 में सजा हुई थी 6 साल की, 1914 में ये भी रिहा हो गए, उधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो वो सहायता करने देंगे अंग्रेजों की, बिल्कुल नहीं। तब जाकर के अंग्रेजों ने भारत में साउथ अफ्रीका से नौ जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत में आए, क्योंकि कांग्रेस के लेट नेता थे ये। महात्मा गांधी भारत आए और
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देने की बात की, ब्रिटेन का समर्थन किया। गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करो, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने वैसे भी जहां जहां कब्जा कर रखा था सबको कह रखा था वर्ल्ड वॉर के बाद हम दुनिया में एक नया संदेश देंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। गांधी जी को लगा था कि हमारे देश में भी लोकतंत्र आ जाएगा तो हम सहायता करेंगे। गांधी जी ने भारतीयों को, जितने भी भारतीय युवा थे, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया। अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। इसीलिए गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि मिली। गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि मिली अंग्रेजों की तरफ से, सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट। ये बात सुनकर दिमाग खराब हो गया तिलक का, ये क्या कर रहे हो गांधी जी, सहायता कर रहे हो आप तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे सहायता। इन्होंने अप्रैल 1916 और सितंबर 1916, अप्रैल 1916 में तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, भारत में आई तो थी वैदिक एजुकेशन के लिए, लेकिन इसका इंटरेस्ट बन गया, यहाँ पे कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इन दोनों ने एक आंदोलन शुरू किया, होम रूल लीग आंदोलन। ऐसे मौके पे आंदोलन शुरू किया जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा यार ये आंदोलन चलेगा तो हमें दिक्कत होगी, फिर ऐसे में तो हमें सहायता चाहिए, तुम आंदोलन कर रहे हो। इस आंदोलन का मतलब था ये कि हमें स्वशासन चाहिए, होम रूल लीग, स्वशासन, वायसराय का पद भारत का हो, भले ही भारत सचिव वहां से कंट्रोल करता रहे, हमें स्वशासन चाहिए। होम रूल लीग का मतलब होता है स्वशासन। ये कंसेप्ट भारत में एनी बेसेंट लाई थी आयरलैंड से। इधर होम रूल लीग चल पड़ा, साथ साथ में गांधी जी प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को कन्विंस करना शुरू कर दिया, साथ तो दो अंग्रेजों का लेकिन स्वशासन मांग लो। ये होम रूल लीग इतना जबरदस्त चला, अंग्रेजों ने इनको भी लालच दे दिया ठीक है मान ली तुम्हारी डिमांड, होम रूल लीग को बाद में बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि इनको ऑफर दे दिया ठीक है भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तुम्हें स्वशासन मिलेगा। समझ में आ गई बात, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या लेने गए थे वो सब आप गांधी जी का जीवन परिचय की एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, विजय शर्मा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, वहां पर एक वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे। अगर आप गांधी जी का जीवन परिचय अलग से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने ही करवा रखा है, इस क्लास के बाद आप वो देख लेना, पता लग जाएगा आपको कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, क्या लेने गए थे वहां पर। कीजिए फटाफट, थोड़ा सा आराम से देख लो तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, आप लोगों की परमिशन हो तो मैं चाय पी लूँ, वैसे भी लगातार पढ़ाई रहा हूँ, परमिशन हो तो मैं चाय पी लेता हूँ 2 मिनट।
सर्जेंट की उपाधि, सर्जेंट। बिल्कुल सुनीता जी, बिल्कुल। तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। इसका मतलब था सब शासन दो हमें। बिल्कुल ब्रिजेंद्र, जरूर आऊंगा मैं। वैसे कहाँ पड़ता है ये मुझे पता नहीं है। हाँ देवांश, वो भी हम पढ़ेंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब आएंगे। ठीक है, देखिए भाई, उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है, जो वादा हमें किया था, बट ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1919 में एक अधिनियम भारत में आता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी देखिए क्या कि GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या चेंज हुआ, जो वायसराय है उसके साथ साथ उसकी कार्यकारी परिषद होगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो पहले से चलती आ रही है, और जिसमें 5+1 सदस्य होंगे यानी 6 सदस्य होंगे। अब इसमें चेंज कर दिया, इस कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय 3 अंग्रेज होंगे, 3 भारतीय व 3 अंग्रेज। तो इसमें पहला चेंज तो ये किया, यानी भारतीयों की सुनी है, केंद्रीय सभा के 2 सदन बना दिए,
केंद्रीय सभा के दो सदन बना दिए। एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, अपर हाउस लोअर हाउस, दो सदन बना दिए जी। निम्न सदन, छोटा सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस में सीटें कर दी 145, अपर हाउस में 60। इन सब के ऊपर ये वायसराय और वायसराय के नीचे वो 6 मेंबर, ये सीन चलेगा। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, आज जो कंसेप्ट लोकसभा राज्यसभा उसकी न्यू 1919 में डल गई थी, मतलब संवैधानिक विकास हो रहा है जी, हमारी सुनी जा रही है हमारी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो भारत सचिव के साथ साथ एक और पद शुरू किया, जो ब्रिटेन में बैठता था ना भारत सचिव, उसके साथ एक और पद शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, एक भारत सचिव है, ये हो गया सचिव, इसके नीचे वो 15 मेंबर भारत परिषद, ये लोग भारत के वायसराय को चलाते थे, ब्रिटेन में बैठकर भारत सरकार को चलाते थे। इसके साथ साथ एक और पद शुरू कर दिया गया, वो पद है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का पद शुरू कर दिया गया। अब दो बंदे, ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया और सचिव, दोनों ही भारत जो है परिषद को संभालेंगे, और एक का काम होगा ब्रिटेन की संसद में बैठ के भारत के लिए कानून बनाना, एक का काम भारत को संभालना, ठीक है। ये एक पद नया शुरू कर दिया 1919 में। तो ये था 1919 का अधिनियम, जिसमें बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, यहाँ तक बताइए। मेन सुधार, 3 भारतीय कार्यकारी परिषद में बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हो गया, सीटें भी बढ़ गई, इनमें तो मैक्सिमम भारतीय होंगे, लेकिन सारी पावर, मेन पावर वायसराय के हाथ में। बताइए जी, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ज्योति जी, ये बिल्कुल लास्ट में होगा, इंडेक्स में लिखवाते थे आप, मतलब तिलक 1916 में रिहा हो गए थे, 14 में, दीवान साहब ने क्या लिखा है, इंडेक्स में लिखवाए थे आप, समझा नहीं मैं, बताना एक बार दीवान्स। ये सब तो करवाया जाएगा ना, ये वो वाले एक्ट नहीं है, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में आएंगे, मेडिवल का पार्ट है ये, मेडिवल, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, वो सब मेडिवल का पार्ट है, ये हम काउंसिल एक्ट देख रहे हैं, समझ गए आप मेरी बात को, वो मेडिवल में होगा। समझ गए जी, बिल्कुल, हाँ लिखिए, कीजिए नोटिस को आराम से।
हो गया जी। नीतू बोलिए, बताइए क्या समस्या है। फाइव प्लस वन यानी कि पांच अंग्रेज थे एक भारतीय, लेकिन अब इसमें चेंज हो गया, पहले ये था अब इसमें चेंज हो गया, ये कैंसिल करो। तीन भारतीय तीन अंग्रेज, तीन प्लस तीन हो गए। हाँ ये मैंने बताया था पहले ऐसा था अब ये हो गया, ठीक है इसको काटा नहीं था। अब ठीक है बताइए क्लास को कितना समय हो गया। सर क्लास को बहुत समय हो गया ना। चलिए आगे देखिए, इसी के साथ साथ भारत में इस अधिनियम के साथ साथ 1919 में रोलेट एक्ट भारत में आया था। इस अधिनियम के साथ साथ भारत में 1919 में रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट का मतलब यह था कि अगर कोई भारतीय सस्पेक्टेड हो तो उसको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके उसको स्पेशल कोर्ट में भेजकर, स्पेशल कोर्ट में ले जाकर दो साल की सजा। कोई भारतीय अगर डाउट हो, सिर्फ डाउट कि ये क्रांतिकारी गतिविधि कर सकता है, उसको उठा लो तुरंत स्पेशल कोर्ट में भेजो, दो साल की सजा। ऐसे भारतीय के लिए जिसको अरेस्ट किया गया है, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, कुछ नहीं होगा, बिना अपील बिना दलील बिना वकील वाला कानून। इसलिए भारतीयों ने कहा इसको, ये तो काला कानून है, इसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा, ये तो गलत है। तो देखिए ये था रोलेट एक्ट, बिना किसी वजह के सिर्फ शक होने पर उठा लो, दो साल की सजा, और सजा होने के बाद ना कोई अपील ना कोई दलील ना कोई वकील, दो साल जेल में रहेगा। अगर किसी भारतीय को उठा लिया सिर्फ इसलिए कि उसके घर एक पोस्टर मिल गया कि इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ था, बस यही डाउट था, उठा लिया तो समझो वो दो साल के लिए गया। ऐसे कानून का भारत में कैसे स्वागत किया जाएगा, काला कानून है, इसके खिलाफ तो जगह जगह दंगे होंगे, इसके खिलाफ माहौल बन गया देश में नेगेटिविटी का, उसका रिजल्ट बहुत खराब होने वाला होगा। एक बार यहां तक नोट कीजिए आप लोग, फिर देखते हैं रोलेट एक्ट आया और इसके खिलाफ रिप्लाई कैसे दिया हम लोगों ने और अंग्रेजों ने उसका क्या किया, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो। बताओ समस्या कोई, फटाफट नोट करो फिर चलते हैं आगे। देखिए ये सब देवांश 1935 के अधिनियम का मेन होगा, धोखा हो गया ना ये तो बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर में कहा था क्या और कर दिया क्या, है ना। अब देखिए क्या होगा रिजल्ट, नोट कर लिया ना। देखिए जी अब इस बात को ध्यान से समझिएगा,
तरीके से समझिएगा। रोलेट एक्ट जब भारत में आया तो इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ पंजाब में। पंजाब में ऐसा लग रहा था कि कभी भी आंदोलन हो सकता है, कभी भी कोई दंगा हो सकता है रोलेट एक्ट के खिलाफ। देखिएगा जी, तब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब के एलजी ने, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था माइकल डायर, माइकल डायर ने 4 अप्रैल 1919, एक एक बात ध्यान से समझना, 4 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया, इकट्ठे नहीं होंगे लोग। उसके बाद महात्मा गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि महात्मा गांधी पंजाब में नहीं घुसेंगे। उसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा बनाई। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह जो है सभा बनाई और दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब रास्ते में 10 अप्रैल 1919 पलवल स्टेशन है हरियाणा में, पलवल में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। चार अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू होता है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने सभा बनाई, 10 अप्रैल को दिल्ली जाते हुए रास्ते में स्टेशन से उठा लिया पलवल से। 11 अप्रैल 1919 माहौल ज्यादा गर्म हो गया जी। पंजाब के दो नेता, एक का नाम था सत्यपाल मलिक दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया एकदम से, क्योंकि ये भी जलियांवाला सॉरी जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे। दोनों को अरेस्ट करके धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भेज दिया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया। अब 13 अप्रैल 1919 पंजाब में लोग बैसाखी के दिन ये बाग है और ये बाग का गेट है, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग मेला देख रहे थे, हजारों बच्चे बूढ़े जवान सब यहां पर मेला देख रहे थे। तब किसी ने खबर दे दी, तो ये तो था माइकल डायर। पुलिस का एक गवर्नर आता है जनरल डायर, जनरल डायर अपने 50 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंचता है और बिना किसी से पूछे, ना किसी को कोई चेतावनी देता, गोली चलवा दी, फायर का आदेश दिया और जितने भी भारतीय थे सबको निपटा दिया यहाँ पे। इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूरे देश में इसकी निंदा की गई, बात क्या थी और एकदम से क्या हो गया रोलेट एक्ट के खिलाफ। पंजाब में माहौल बन रहा था तो मार्शल लॉ लागू कर दिया, गांधी जी ने सभा बनाई, गांधी जी को उठा लिया, ये लोग बोले इनको उठा लिया, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे मेला देखने के लिए, गोलियों से भून दिया, यहाँ पे हजारों लोगों को मारा गया। तब पूरे देश में इसकी निंदा की गई, पूरी दुनिया में इसकी निंदा की गई। अब हम मांग करेंगे इसकी जांच करवाओ। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट, कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो फटाफट बताइए जी, फटाफट।
वो गांधी जी वाली वीडियो जरूर देख लेना, गांधी जी के बारे में 2-3 फैक्ट हैं वो मेरी वीडियो में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे है मेरी वीडियो, विजय शर्मा हिस्ट्री, गांधी जी के बारे में 2-3 फैक्ट जो यहाँ नहीं डिस्कस हुए वो वीडियो में जरूर देख लेना आप लोग, अच्छे से डिटेल में है विजय शर्मा हिस्ट्री पर, महात्मा गांधी की बायोग्राफी में देख लेंगे ना, आपको वहां से मिल जाएंगे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा। सेम ही बात है, यहां देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो आप लोग कर लेना। डन, तो ठीक है फिर आज इतना ही करेंगे हम, हो सकता है कल अर्ली मॉर्निंग में क्लास ले लूँ, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है या फिर लेट नाइट आज हो सकती है, आज हम कोशिश करेंगे मॉडर्न को हम फिनिश कर दें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, है क्या दिक्कत? नहीं है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब जब ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी ना, जो क्लास नहीं लेते अब देख लो लगातार हो रही है हमारी क्लास। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय।